तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। और मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपने मर्चेंट अकाउंट का नाम तो सुना ही होगा, तो इस वीडियो में दरअसल मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं फ़ोनपे के लिए या फिर पेटीएम के लिए। तो जो स्टेप है सारा एक ही है, मगर मैं बताता हूँ फ़ोनपे पर कैसे आप मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस अकाउंट को मर्चेंट अकाउंट को बनाने के लिए देखिए, इसे ये जो ऐप है आप देख सकते हैं फ़ोनपे प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी ऐप। इसका नाम है फ़ोनपे बिजनेस। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन में रोटेट कर रहा है। इसको असेंबली करना है कि आप इसको जनरली ओपन करें, और ओपन करने के बाद आपको नंबर वही देना है। इसको ओपन करें आप आसानी से, इसको अलाउ कर दें। आपको क्या करना है, वही नंबर देना है जो आपने जिससे फ़ोनपे बनाया है। तो आपने तो पहले कहीं बनाया नहीं, तो जैसे मैं बना लेता हूँ कुछ भी नाम से, मान लीजिए ABC से, ABC नाम से बना लेता हूँ। उसके बाद मैं जो नंबर से बनाया हूँ उसी से इसको साइन अप कर लेता हूँ। ये अकाउंट बनाने का जिससे आपको लिंक है उसी से बनाना है। देखिए, एक दो मिनट में वो वेरीफाई ले ही लेगा, और यहाँ पर आपका हो चुका है रजिस्ट्रेशन। तो आपको करना क्या, सिंपली कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और लोकेशन के लिए आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही जो लोकेशन पे आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप बिजनेस किस पर्पस से खोल रहे हैं मर्चेंट अकाउंट वो लिख दीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्टडी, यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर बिजनेस नेम लिख दीजिए कुछ भी, ABC। उसके बाद आप क्या करें, कुछ भी लिख दीजिए, अदर लिख दीजिए। यहाँ पर जनरली ये मर्चेंट अकाउंट शॉप दुकान वगैरह में बनाया जाता है। उसके बाद आप कोई अपने जो बैंक को सिलेक्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिंक ले चुका ये अकाउंट में। आपको कोई भी मर्चेंट अकाउंट में सब लिंक यही अकाउंट रहेगा, जो अकाउंट जिसमें रहे वो कर देना है, कर दीजिए। उसके बाद सेव कर दीजिए। अब चलिए कंटिन्यू डैशबोर्ड। ये देखिए, आपका बन चुका है मर्चेंट अकाउंट, और यहाँ पर आपको QR यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, हर ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपसे ट्रांजेक्शन करता है, आप यहाँ पर ये होम हो गया, आपको हर ट्रांजेक्शन दिखाएगा, शो करेगा। और ये आपका हो गया QR। इसी के थ्रू आप कर सकते हैं सारा ट्रांजेक्शन अपना, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने जेरोक्स कुछ भी करना है, प्रिंट या जेरोक्स कर ले। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।